नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता बगलामुखी की विशेष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। ये शिविर 40 वर्षों में 10वीं बार होने जा रहा है। ये महाविद्या होने की वजह से इनकी शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। ये चारों दिशाओं से व्यक्ति की सुरक्षा करती हैं। इनकी वजह से परिवार का एक एक सदस्य सुरक्षित माना जाता है। इनकी उपासना से मनुष्य के सभी पाप बुरे कर्म नष्ट होकर सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। माता की कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, छिपे शत्रु से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी में लाभ मिलता है, हर तरह का विवादों में लाभ मिलता है, शत्रु पर तेजी से विजय प्राप्त होता है, नौकरी व्यापार सुरक्षित हो जाती है, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग जलन विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। माता की कृपा से धन की हर तरह की रुकावट दूर हो जाती है, साथ ही हर तरह के विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। विचार भेजकर जो उपचार करने की पद्धति है, सरल है, आसान है और इसके द्वारा आप आसानी से विचारों को भेजकर उपचार करने की विधि को सीख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि ये प्रयोग करें और इसका फायदा उठाएं। यानी विचार भेजकर हीलिंग कैसे करें, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करें, ये आज का विषय है। आमतौर पे ये होता है कि हम हैं, हमारा परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो एक आम इंसान परेशान हो जाता है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हे ऊपर वाला उनको जल्दी सक्सेस दे, उनको उनकी समस्या को ठीक हो। आप मानता मानते हैं, मनोती मानते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे को सफलता दे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। ये सब चीजें हम करते हैं, हम अपने अपनों के लिए करते हैं। जब हमारे अपने बीमार होते हैं या कोई तकलीफ में होते हैं या किसी दुख में होते हैं तब उनके लिए हम लोग प्रे करते हैं, क्योंकि हम हमारे अपने होते हैं। तो इसी तरह का ये प्रयोग है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अपना कोई मुसीबत में है, कोई तकलीफ में है, कोई दुख में है, कोई दर्द में है, तो उनके लिए मानसिक तरंगों को भेजकर उसके आंतरिक बल को बढ़ाने की क्रिया हीलिंग कहलाती है, उपचार करने की पद्धति कहलाती है। तो आज का टॉपिक यही है कि हम अपने मन के विचारों से, हम अपने मन से विचारों को भेजकर सामने वाले के मन में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे निर्माण करें, बीमारी को ठीक होने की भावना कैसे प्रबल करें, वो हम सीखेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी मनुष्य, एवरी लिविंग थिंग्स जो कहते हैं, जिनके अंदर प्राण शक्ति है, जिनके अंदर जान है, वो सब ऊर्जा से संचालित होते हैं। हम, आप, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब ऊर्जा से संचालित होते हैं। हमारे शरीर में भी 9 वोल्ट के करंट चलते रहते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, एक प्रकार की बिजली प्रवाहित होती रहती है। ये जो करंट है ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी ऊर्जा से जुड़ा जा सकता है। आप तो दूर हैं, आप इंडिया में हैं, सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आप साथ में नहीं है, दूर है। लेकिन अगर मानसिक तरंगे जो ऊर्जा के द्वारा चलती हैं, ये अगर उस तक भेजा जाए और सही तरीके से भेजा जाए, तो ये ऊर्जा होने की वजह से सामने वाला व्यक्ति भी उस ऊर्जा को खींच लेता है। ऐसी विधि मानी जाती है। कहने का मतलब यह है, आप अपने को, आपके जो अपने हैं उनके ऊपर इस पद्धति से उपचार कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमारी जो 5 उंगलियां आप देख रहे हैं, 5 उंगलियों में ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा है, इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, ज्ञान से होता है, क्रिएटिविटी से होता है, रचनात्मक जो विचार आते हैं सब यहां से होते हैं। ये इसका ये पूरा जो संबंध है ये हमारे मस्तिष्क से है, ये ठीक है। तो एक पद्धति ये होती है कि ये देखिए, पहले तो आप 10 बार प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम इसलिए करते हैं
कि हमारा मन शांत हो जाए, मन में जो टेंशन या किसी तरह का विचार परेशान कर रहे हैं तो कम हो जाए। तो एक तरीका ये है कि इस तरीके से हाथ रखते हैं, ये देख लीजिए, अंगूठे को अंगूठे से जोड़ते हैं, एक तरीका ये है इस तरीके से। और ये करने के बाद ये देख रहे हैं, ऐसा मैंने ये कर लिया, ये मुद्रा लगाई, आगे चक्र पर ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद 10 बार प्राणायाम किया, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक रखा, फिर धीरे से छोड़ा, फिर जोर से खींचा, फिर धीरे से, इस तरीके 10 बार हमने प्राणायाम किया। 10 बार प्राणायाम करने के बाद अब आंख बंद करके अपने परिवार के उस सदस्य के बारे में सोचो कि इसका मन शांत हो जाए, इसके मन के अंदर का गुस्सा निकल जाए, इसका स्वभाव ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या जो भी आप बोलना चाहते हो, इसको इंटरव्यू में सफलता मिले, इसको नौकरी में सफलता मिले, ये उसका स्वभाव अच्छा हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना करे, क्रोध शांत हो जाए, या जो भी आपको कहना है, और वो आप बोले इस विधि से, इस तरीके से, यानी आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, इस विधि से आप बोले, तो आप देखेंगे जहां 2 दिन 4 दिन 5 दिन किया, आपको फायदा मिलना शुरू होगा। ठीक है, ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है ये, आपका जो मस्तिष्क है, यहां पर दोनों अंगूठों को टच करते हैं और 10 बार प्राणायाम करते हैं। 10 बार प्राणायाम करने के बाद आप इसी जगह पर हाथ रख के सामने वाले के लिए विचार करते हैं, जो भी आप, जैसा भी अभी मैंने बताया, ये 2 पद्धति बहुत कारगर होती है। आमतौर पे आपको पता ही होगा, पहले तो ये चीजें नहीं मानते थे लोग, अब लोग मानने लगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो हीलिंग सिखाया है, रेकी, प्राणिक हीलिंग सीखे हैं, तो वो इस चीज को मानते हैं, और बल्कि होता ही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, और न कोई चमत्कारी बात है, न कोई जादू जैसी बात है, न कोई अंधविश्वास जैसी कोई बात है। सवाल है करिए, करके अनुभव करिए और बोलिए, तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये जो प्रयोग है आपके अपनों के लिए है, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, भाई बहन बंधु, ये जो होते हैं, ये प्रयोग उनमें काम करता है, इसलिए उनको कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो इससे उनके अंदर, उनके मन को मजबूत करने की भावना आप दे सकते हैं। तो ये प्रयोग करें, इसका फायदा उठाइए, फायदा मिलता है तो लोगों की मदद करें, क्योंकि यही मेरी गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद।